नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, आपका नाम? उमेश चंद। तो आपके यहाँ ये जो मिक्स खेती की जाती है, आपने जो की है यहाँ, जैसे गोभी और बगल में टमाटर लगाया हुआ है, लगाया हुआ है, तो इसका क्या रीजन है? मतलब ये दोनों फसलें कैसे आप लेते हैं? इसलिए लेते हैं, जैसे कि गोभी किस तरीके से फेल होती है तो टमाटर कामयाब होगा, और टमाटर फेल होता है तो एक फसल में रीजन मिल जाएगा, नुकसान नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब एक दूसरे पूरक बना रखे हैं आपने। तो ये गोभी मतलब कब लगाई जाती है? ये कम से कम टमाटर वो 10 दिन का अंतर रहता है, जैसे गोभी पहले लगा दी उसके 10 दिन बाद टमाटर की रुपाई कर दी। अच्छा, तो गोभी लगा दी उसके बाद टमाटर की रुपाई कर दी। जैसे एक साइड में आपने गोभी लगाई हुई है और एक साइड में टमाटर है, तो टमाटर की कौन सी वेरायटी है जरा बताएं? ये US की कंपनी है और 2853 है वेरायटी ये वाली। अच्छा, US की कंपनी 2853। ये टमाटर कब तक चलेगा, मतलब कितने? चलेगा मई जून तक चलेगा, पूरे जेठ मास चलेगा ये माल। अच्छा, पूरे जेठ मास चलेगा। जेठ मास, और गोभी तो अब निल होने वाली है। अच्छा, गोभी अब ये खत्म होने वाली है, यानी ये कटाई हो रही है, मतलब गोभी कटाई हो रही है, और इसका तो दाम बना लिया, आधा पद्धा निकल आया ये मालूम खर्चे के लिए। अच्छा, निकल आया। तकरीबन एक बीघे में आपने कितने का ये इसमें गोभी बेच ली? एक बीघे में ये मान लो आपको कम से कम रेट डाउन हुआ है इसका, मिला है रेट। अच्छा, रेट डाउन मिला है, इसलिए कम से कम एक बीघे में भी 10-12 हज़ार के करीब हो पाया है। अच्छा, 10-12 हज़ार रुपए के करीब हो पाया है, और जैसे रेट मिलता तो थोड़ा बहुत दाम और मिल जाते, जैसे कि रेट और थोड़ा अच्छा, बढ़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गोभी का भी कोई मतलब बीज का नाम है? कोई ब्रांड बीज का नाम है 15-22 है गोभी। अच्छा, हाइब्रिड है या? हाइब्रिड है, हाइब्रिड गोभी है। 15-22 गोभी लगाई हुई है। अच्छा, गोभी का काफी अच्छा है। तो इसमें पानी यानी मतलब कितने देने पड़ते हैं? पानी ऐसा मौसम ठंडा रहता है तो 3-4 पानी में कम हो जाता है गोभी का। टमाटर में तो 2 का पानी अभी और लगेगा। अच्छा, टमाटर में तो अभी पानी लगेंगे, मतलब ये उस पर निर्भर करता है आपके तापमान पे, मौसम पे कि किस तरह से। ठंडा है तो पानी की जरूरत नहीं है, और मौसम गर्म है तो थोड़ा बहुत पानी की जरूरत है। अच्छा, ये है, तो ये आप नालियों में ही पानी छोड़ देते हैं? नालियों में पानी रहता है। बहुत अच्छा, गोभी का फूल काफी मतलब प्यारा है। इधर से ले लो, बहुत बढ़िया फूल ले लो। हाँ, और इसके साथ साथ आप क्या करते हैं? इसके साथ साथ मिर्ची लगाते हैं। अच्छा अच्छा, और बंद गोभी भी लगाते हैं। अच्छा, तो अभी ये जैसे गोभी कट गई, इसके बाद इस जगह पे क्या आएगा? अब इस जगह पे ये टमाटर फैल करेगा, टमाटर पूरा बेड कर लेगा। अच्छा, पूरे बेड में मतलब टमाटर ही हो जाएगा? हाँ, टमाटर को हवा लग के पूरा बेड टमाटर से ही हो जाएगा। अच्छा, पूरा बेड टमाटर ही भर लेगा। हाँ, मतलब ये आपने टमाटर मेन मतलब फसल आपकी टमाटर है। टमाटर, ये गोभी तो लगेजी में लगा दी है, जिससे कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकलता रहे। हाँ, जैसे कि लाग लग जाए उस। हाँ, इसमें जो आप मतलब दवाई दूरी या जो भी लगाते हैं, और थोड़ा बहुत दाम भी मिल गए खर्चे के लिए अभी तक। टमाटर हुआ कम से कम 1 महीने बाद चालू, तब तक अपना ये खर्चा पानी इससे निकल गया। हाँ, पूरा मतलब इसमें जितना आपने इसमें लागत निकल गई इससे। हाँ, खेत की पूरी लागत आपने निकाल ली इसमें। मतलब नराई भराई भी कुछ ज्यादा लगती है और फसलों से, या फिर नॉर्मली उसमें ही हो जाता है? नॉर्मली काम होता है, नराई भराई कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये एक फूल कितने उसका होगा? 1.5 किलो का होगा ये फूल? बैठेगा मीडियम साइज का है, 1.25 किलो का फूल है ये। अच्छा, ये फूल काफी मतलब देखिए कितनी अच्छी गोभी है यार, ये पूरे। हाँ, ये वाले 1500 रुपए गिने हुए, मतलब ये बंद गोभी इतने इतने 1500 पेड़ हैं ये। हाँ, 15 पौधे 1500 इतने। और इधर तो कुल मिलाए गए कम से कम 9000 के पड़े कभी। अच्छा, 9000 पौधे लगाए गए इधर। तो ये बंद गोभी है इधर, है ना? हाँ, वो बंद गोभी है, ये यहाँ के फूल गोभी। ये फूल गोभी है, मतलब ये जो अभी आपने जो फूल गोभी दिखाई थी, तो उसके तो ये 1-2 महीने बाद चलेगी शायद? 1 महीने बाद नहीं, हाँ 1 महीने बाद चलेगी ये मान लो। अब चल रही है? हाँ, तो वो तो चलते हुए काफी, अब एंड पे है वो तो, ये मान लो वो तो खत्म हो गई। अब इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा? हाँ, ये 20 दिन बाद चालू हो जाएगी। ये 20 दिन बाद चालू हो जाएगी, यानी ये मार्च में चालू हो जाएगी? मार्च में पहले हफ्ते में चालू हो जाएगी। हाँ, मार्च के पहले हफ्ते में चालू हो जाएगी। ये वाला बीज है या फिर इसमें कुछ अंतर है? दूसरा बीज है ये। अच्छा, उसके हिसाब से होता है, जैसे मौसम के हिसाब से। अच्छा, मौसम के हिसाब से रहता है। जैसे अभी तो टेम्परेचर ठंडा था, अब ये थोड़ा गर्म में आएगी, और जो अब गोभी लगेगी
वो और हिसाब का भी आएगा। तो इसकी जो गोभी लगाई गई है इसकी दूरी क्या रखी गई है पेड़ से पेड़ की दूरी? पेड़ से पेड़ की दूरी है इसकी 6 इंची 7 इंची। अच्छा 6 से 7 इंची। और ये बेड कितना चौड़ा है ये वाला बेड? 1 फुट करीब में बेड, 1 फुट की नाली और 1 फुट का बेड। नहीं बेड ज़्यादा ज़्यादा बेड लग रहा है मेरे को, ध्यान बोले आप 2 फुट का होगा ये? 1 फुट ना 2 फुट का हाँ। फुट का है ये मान लेते हैं, 1 फुट की नाली, 2 फुट का, कोई 2 का है कोई 1.5 का है। अच्छा कोई 2 का है कोई 1.5 का है, काफ़ी करीब सही है। 2 का है कम से कम। हाँ हाँ काफ़ी अच्छी गोभी है ये। क्या नाम है इस गोभी का, क्या ब्रांड है ये? फोर्ट लाजा के नाम से। किस नाम से? फोर्ट लाजा। फोर्ट लाजा, हाँ, फोर्ट लाजा। अच्छा अच्छा इसकी गड़ाई रुपाई कब हुई थी? रुपाई हुई थी इसकी 2 महीने पहले। अच्छा यानी इसकी रुपाई हुई है आपके दिसंबर? हाँ। दिसंबर में इसकी रुपाई हुई है। दिसंबर रुपाई हुई है। तो ये डायरेक्ट बीज से गाड़ी गई है या इसकी पौध बना के गाड़ी गई है? पौध बना के गाड़ी गई, पौध बना के। अच्छा पौध बना के, हाँ गाड़ी है, पौध बना के ये गाड़ी गई है। तो कितने दिन की पौध तैयार हो जाती है इसकी? पौध सही हिसाब की कराओगे तो 25 दिन, और 25 दिन से 30 दिन के बीच में लगानी चाहिए। अच्छा 25 दिन से 30 दिन के बीच में पौध तैयार हो जाती है, फिर उसको रुपाई कर देते हैं। और ज़्यादा लेट करोगे तो फिर वो इतना वृद्धि नहीं करेगी वो। अच्छा लेट करोगे तो फिर इतना ग्रोथ नहीं करेगी। अच्छा वृद्धि नहीं करेगी इतना। अच्छा अच्छा तो इसमें, अच्छा इसमें और कोई सावधानियाँ किसानों के लिए, जैसे कोई नया किसान लगाए इसमें तो कोई क्या क्या सावधानियाँ बरते उसमें? उसमें सावधानी का पहले तो नंबर एक, बीज बीज का चयन सही करना पड़ेगा। हाँ बीज तो खैर मुख्य है ही। हाँ बीज का चयन, उसके बाद में फिर खेत भी, ये नहीं कि उसमें कह दी कि उसमें कह दी, इसमें खेत भी दोमट मिट्टी की जरूरत है इसमें। अच्छा दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है, दोमट रेतीली भूमि में ये गोभी होगी नहीं। अच्छा रेतीली भूमि में गोभी, ऐसे खेती में कह दोगे नहीं होगी ये, इसके लिए तो बढ़िया फसल मतलब भूमि अच्छी चाहिए। अच्छा ये बताइए जैसे हमने मान लो दोमट मिट्टी में फसल खेत तैयार कर लिया, खेत तैयारी में क्या क्या लगाना पड़ता है? उसमें कम से कम 15 किलो की बीघा के हिसाब से DAP लगानी है, और जाइम लगानी पड़ती है, और जिंक और पोटाश सभी जैसे के पौधा के लिए जरूरत होते हैं, जैसे नाइट्रोजन सभी लेना पड़ता है। ये मान लो आप सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, जैसे के फुल हो जाए सभी मिल जाएंगे तो पौधा वृद्धि सही करेगा, और कोई कमी रहेगी तो क्या ये हो गया। हाँ खैर वो तो बात सही है आपकी। तो जैसे बेड बना लिए तो बेड बनाने के, जैसे गोभी हमने मान लो आज हमको रुपाई करनी है तो पहले इसमें बेडों में पानी पानी किया या फिर नहीं सूखे में रुपाई करनी? पहले पानी उसके बाद में फिर। अच्छा मतलब इसमें पानी कर दिया फिर रुपाई कर दी? रुपाई। अच्छा ये चीज है ये। अब जैसे पानी लगा दिया, पानी के बाद रुपाई करोगे तो पौधा नष्ट नहीं होगा, और सूखे में काट दोगे आप तो पौधे नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे फिर पौध कहाँ से लेके आए, पौध नहीं है तो बस। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पौधा सही है, बहुत अच्छा है। 6 इंची की ये दूरी रखी है, 6 से 7 इंची हुआ, कोई दिक्कत नहीं है दूरी में? 7 इंची की। हाँ अच्छा बेड पे लगाने से क्या फायदा है? बेड पर लगाने से फायदा ये है जैसे कि पौधा उठा हुआ चला आता है। अच्छा बेड वृद्धि सही तरीके से करता है, और उसे नाइट जैसे पौधे के लिए जरूरत है भोजन की, जैसे मिट्टी चढ़ाना है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए भरपूर मात्रा में सब कुछ मिलता है। अच्छा अच्छा ये चीज़ है, इसलिए बेड मतलब उचित है। हाँ बेड उचित है, प्लान खेत में लगा दोगे तो पानी से दब जाएगी, कुछ वैसे दब जाएगी, तो उस हिसाब से मतलब पौधा जहाँ है वहाँ थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी रहे। हाँ, इसलिए बेड रखते हैं। हाँ इसलिए रखते हैं, बेड पे अच्छी होती है। और पानी जैसे पानी की थोड़ी बहुत जरूरत है तो थोड़ी बहुत मात्रा उसे मिलेगी, जिन्हें कि पानी में पौधा डूब गया पूरा। अच्छा अच्छा मुख्य कारण ये भी है कि पानी में पौधा डूबे ना। हाँ डूब गया तो जी मान लो कि फिर वृद्धि नहीं कर पाएगा, खुशक लेने में टाइम लगेगा। अच्छा इसलिए बेड पे सबसे बड़ी